नमस्कार, हम प्रेसिडेंट्स परेड ग्राउंड में मौजूद हैं प्रेसिडेंट्स का पोलो मैच मुकाबले के लिए, जो कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड और 61st कैवलरी के बीच खेला जाना है। सुनहरी धूप खिली हुई और प्लेयर्स लाइनअप हो रहे हैं। परेड ग्राउंड न्यू दिल्ली, जो कि राष्ट्रपति भवन से थोड़ी ही दूर पर स्थित है, और बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले की उम्मीद, क्योंकि टॉप प्लेयर्स इसमें भाग ले रहे हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड जो कि मेज़बानी करते हैं इस मुकाबले की, और उनका सामना है दुनिया की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट 61st कैवलरी से, जो कि लैंसर्स के नाम से खेल रहे हैं। तो बॉडीगार्ड बनाम लैंसर्स, लैंसर्स लाल रंग की जर्सी में, जबकि बॉडीगार्ड्स हैं नीली और सफ़ेद रंग की जर्सीज में। लाइनअप होते हुए दोनों अंपायर्स के साथ, अंपायर्स कमांडर अखिल सिरोही और शमशीर अली, जो कि इस मैच का संचालन करेंगे ग्राउंड से। अखिल सिरोही और शमशीर अली ये अंपायर्स तैयार इस मुकाबले की शुरुआत करवाने के लिए आ रहे हैं। औपचारिक रूप से अंपायर शमशीर अली रेफरी से परमिशन लेने के लिए, ये एक औपचारिकता। बातचीत ताकि खेल की शुरुआत करवाई जा सके। शायद कुछ देर है शुरुआत में, जिसका संकेत दिया गया है कमांडर अखिल सिरोही को। ये डिप्लोमेटिक कोर इस मैच को देखने के लिए, धूप दर्शकों को बता दें कि 7-7 मिनट के एक चक्कर हैं, लेकिन चक्कर के बीच में खेल को रोककर खिलाड़ियों को घोड़े बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हवा इतनी साफ नहीं है, जिसका कि नुकसान। और अब दोनों टीमें दर्शकों को, ये हैं लैंसर्स की टीम लाल रंग के जर्सी में, नवदीप संधु नजर आते हुए, पूर्व कमांडेंट 61st कैवलरी के लाल रंग के। ये है लैंसर्स की टीम, अभिमन्यु पाठक 5 गोल प्लेयर, विशाल चौहान 4, सिद्धांत शर्मा 4 गोल और नवदीप संधु 3 गोल। ये है एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में अवेलेबल है, ये हैं अभिमन्यु पाठक 5 गोल का हैंडीकैप इनका। लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान इनका हैंडीकैप 4 गोल का। सिद्धांत शर्मा जो कि कर्नल नवदीप सिंह संधु 3 गोल, जो कि एक समय 6 गोल प्लेयर हुआ करते थे, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर। इनके पिताजी ये थी लैंसर्स की टीम नवदीप संधु। We have a man who is wearing a beard as well,
Gaurav Sehgal, President's bodyguard ke number one, teen goal player hain, handicap inka plus three ka. Number two pe yuva khiladi aur as a teenager 19 saal ki umar mein India ke liye khelna shuru kiya tha, Dhruvpal Godara. एक समय आठ गोल पे खेला कर रहे थे अपने भाई मनुपाल गोदारा के साथ, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन. अंगद कलान जिन छोटे भाई हैं उदय कलान के, जो कि इंडिया टीम के कैप्टन फिलहाल, नंबर तीन पर खेलते हुए अंगद कलान. और सिमरन सिंह शेरगिल नंबर चार, जिन्हें इसी साल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अर्जुन पुरस्कार से पोलो के लिए. कमांडर अखिल सिरोही मैच के रेफरी हैं, कर्नल बिली सोडी, फॉर्मर कमांडेंट 61st. ये है बॉडीगार्ड टीम, सिमरन शेरगिल जो कि चार नंबर की जर्सी में, छह हैंडीकैप, ध्रुवपाल गुदारा पांच गोल, अंगद कलान और गौरव सहगल के तीन तीन गोल, टोटल 17 गोल्स, यानी कि चार चक्कर का मुकाबला है, तो एक गोल ज़्यादा. और इसके साथ ही ये मुकाबला शुरू होता हुआ और अटैक में प्रेजेंस बॉडीगार्ड, लेकिन बहुत क्लोजली फॉलो करते हुए उनको सिद्धांत शर्मा. अच्छी क्लियरेंस और यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान का ये लंबी हिट अंडर द नेक कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं, मिस कर गए. लेकिन अभिमन्यु पाठक ने बढ़िया, और ये गोल लगभग अभिमन्यु पाठक का ये पहला गोल, और वन एंड हाफ तो नील की लीड लैंसर्स के पास. लैंसर्स ने तेज शुरुआत की है, मौका था लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल शर्मा के लिए, और खेल दोबारा रिस्टार्ट होगा 1.5-1. और अब चूंकि पोलो के नियमों के हिसाब से एंड्स चेंज हो चुके हैं, अब जिस ओर गोल किया था लैंसर्स अब उसे डिफेंड करेंगे, यानी कि प्रेजेंस बॉडीगार्ड जो कि लाइन क्लेम करते हुए नवदीप सांधू. अच्छा अंडर द नेक क्लियरेंस इस बार, विशाल चौहान की लंबी हिट, बढ़िया प्रमोट किया है, फॉलो करते हुए लाइन क्लेम कर रहे हैं, लेकिन बैकहैंडर से क्लियर करते हुए ध्रुवपाल गोदारा, जो कि बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड राइडर, अच्छी एरियल क्लियरेंस, पिकअप करने की कोशिश, लेकिन कोई विसल नहीं, और अभी भी लैंसर्स के कंट्रोल में बॉल, अच्छी हार्ड राइडिंग. अभिमन्यु पाठक प्रमोट किया, अभिमन्यु पाठक जो कि दो नंबर की जर्सी में है. ध्रुवपाल गोदारा एक बार फिर से बहुत चौकन्ने क्लियरेंस करने के लिए रीड कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल कोने में फंसे हुए, और इस बार बैकलाइन पे, बैकलाइन से बाहर, तो दर्शकों में काफी उत्सुकता इस मैच के लिए. लैंसर्स के लिए अभिमन्यु पाठक ने ध्रुवपाल गुडारा लंबी प्रमोशन, लेकिन मिस किया और हुक कर लिया गया, और अब लैंसर्स के लिए दोबारा सिमरन शेरगिल ने फिर से कोशिश तो की क्लियरेंस की, लेकिन लैंसर्स के पास अच्छी कंट्रोल है.
विशाल चौहान जो कि शर्ट नंबर एक में है, लेफ्टिनेंट कर्नल काफी करीब आए, लेकिन बहुत ध्रुपाल गुदारा का बढ़िया क्लियरेंस, ध्रुपाल गुदारा फिर से हुक किए गए, अभी भी कोई विसल नहीं, अभिमन्यु पाठक के पास जो कि दो नंबर की शर्ट में है, और एक और गोल, तो अभिमन्यु पाठक ने एक और गोल किया और अब ढाई, अभिमन्यु पाठक का गोल जो कि शर्ट नंबर दो में खेल रहे हैं लैंसर्स के लिए, दोनों गोल किया है अभिमन्यु पाठक ने, शर्ट नंबर दो लाल रंग की, बहुत ही खूबसूरती से फिनिश किया, मौका उनके लिए बनाया लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान ने, ये देखिए मौका, और बहुत ही खूबसूरती से भीड़ में थी बॉल, लेकिन अपने आप को बचा कर रखा अंगद कलान के हुक करने की कोशिश से, और अब टू एंड हाफ के मुकाबले निल की लीड। ये बॉल फेंक के खेल शुरू, तो मिड गेम में चूंकि दिल्ली में प्रदूषण का काफी असर है, इस कारण से घोड़े बदलने पड़ रहे हैं मिड चक्कर में, ये एक नियम, और इस बार फिर से अच्छी बॉल, और ये तीसरा गोल अभिमन्यु पाठक के लिए, पहले चक्कर में ही हैट्रिक पूरा करने में कामयाब अभिमन्यु पाठक, बहुत ही बेहतरीन खेल, और लैंसर्स ने से कहते हैं धुआंधार शुरुआत की है, और एक के बाद एक तीन आसान गोल अभिमन्यु पाठक के स्टिक से, ये देखिए फाइनल कन्वर्जन अभिमन्यु पाठक का, इससे बढ़िया मौका शायद उन्हें कम ही मिल पाएगा, लेकिन अपनी टीम के साथ बहुत ही जबरदस्त, 3.5 बनाम 0, प्रेजेंस बॉडीगार्ड को कुछ खास ही करने की जरूरत वापस आने के लिए, सिद्धांत शर्मा छोड़ दिया है सिमरन शेरगिल के लिए, विसल, फाउल, और शमशीर अली अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को यार्ड्स पेनल्टी मिली है, यानी कि गोल डिफेंड किया जाएगा, तो अब देखना है कि सिमरन शेरगिल क्या कर पाते हैं, गोल डिफेंड किया जाएगा, मौजूद हैं वहां पे अंगद कलान, और हिट लेने के लिए सिमरन शेरगिल जो कि शर्ट नंबर 4 में है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिटर, गोल डिफेंड किया जा रहा है, और ये सिमरन शेरगिल टाइमिंग सही नहीं, और काफी वाइड मार गए सिमरन शेरगिल, तो एक का 40 yard पेनल्टी जो मिली थी उसका फायदा नहीं मिला, उठा पाए सिमरन शेरगिल, और अब लैंसर्स जो कि 3.5 गोल की लीड लिए हुए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान फिर से प्रमोट करते हुए, सामने अभिमन्यु पाठक उनके मौजूद, और अच्छा लीड इस बार संधू के पास, विशाल चौहान बोर्ड में, और अंगद कलान ने अच्छा कंट्रोल दिखाया वहां पे टर्न करते हुए, अंगद कलान अच्छी राइडिंग, अंगद कलान रिडन ऑफ बाय सिद्धांत शर्मा, दोनों घोड़ों के बीच में अच्छी, और बैक हैंडर लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान का बैक हैंडर पीनलाइज किया गया है, अंपायर्स आपस में सलाह मशवरा करने की जरूरत भी नहीं समझी, और तुरंत ही यह है स्कोर 3.5 बनाम 0, लैंसर्स यानी
61st कैवलरी की टीम के पास पहले चक्कर में अच्छी खासी बढ़त बन गई है। तीनों ही गोल किए हैं अभिमन्यु पाठक ने, यानी कि प्रेजेंस बॉडीगार्ड को इस मैच को जीतने के लिए चार गोल की बढ़त बनानी होगी, चार गोल करने पड़ेंगे तब जाके वो इस मैच में वापस आ सकते हैं। ध्रुव पाल गोदारा ने इस बार पुश प्लेस किया है बॉल को, शर्ट नंबर 2 पहने हुए ध्रुव पाल गोदारा। ध्रुव पाल गोदारा शर्ट नंबर 2 ब्लू, ये है ध्रुव पाल। अच्छी लॉफ्टेड झेट और ये गोल। अंपायर और गोल जज के बीच गोल डिसअलाउ कर दिया गया है, अंपायर द्वारा गोल डिसअलाउ किया गया है। अभिमन्यु पाठक इस बीच फिर से बहुत बढ़िया चेस करते हुए और लांसर्स के लिए तीसरा गोल करने का मौका बन सकता है। बेहतरीन उनकी ये लॉन्ग हिट, बैकहैंडर, लेकिन एंगल सही नहीं ले पाए और एक बार फिर संधु। और अब प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए मौका अटैक करने आए हुए, पूरी तरह से बहुत स्पीड से अटैक करने चले गए थे लांसर्स, लेकिन लांसर्स के पास फिर से मौका, फिर से विशाल चौहान, विशाल चौहान सिद्धांत शर्मा की मदद मिलते हुए, सिद्धांत शर्मा के पास मौका और ये गोल। सिद्धांत शर्मा ने पहले चक्कर में ही ये चौथा गोल कर दिया है लांसर्स के लिए। बहुत ही बेहतरीन राइड सिद्धांत शर्मा की। सिद्धांत शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन फिनिश किया, शर्ट नंबर 3 लांसर्स के लिए, बहुत ही बेहतरीन काउंटर अटैक पर यह गोल करने में कामयाब। तो 3 गोल अभिमन्यु पाठक के और 1 गोल सिद्धांत शर्मा का, 4.5 बनाम 0 की लीड। प्रेजेंस बॉडीगार्ड अभी भी अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, एक मौका मिला था लेकिन गोल डिसअलाउड। ध्यान रहे लांसर्स लाल रंग की जर्सी में, जबकि नीली और सफेद रंग की जर्सी में है प्रेजेंस बॉडीगार्ड। हर गोल के बाद एंड चेंज हो जाता है, जिस कारण से ये काफी जबरदस्त, और अब ये डिफेंड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान। विशाल चौहान का बैकहैंडर काफी दूर नहीं गया और दोबारा प्रमोट करने की कोशिश में सिमरन शेरगिल इस बार कामयाब नहीं। अंगद कलान बहुत अच्छी क्लियरेंस अक्रॉस द गोल माउथ और लांसर्स के लिए मौका बॉल को काफी दूर पहुंचाने का, और बहुत ही बेहतरीन हिट यहां पे लांसर्स के लिए, सुंदर मौका लेकिन बैकहैंडर से क्लियरेंस करने में कामयाब। इंटरप्ट जरूर किया लेकिन फिर से पिकअप में कामयाबी नहीं हो पाई और ये पहला चक्कर समाप्त होता हुआ। पहले चक्कर के बाद लांसर्स ने जबरदस्त शुरुआत की है, 4.5 बनाम 0 की लीड और 3 गोल इसमें किए शर्ट नंबर 2 में खेलते हुए अभिमन्यु पाठक ने, और 1 गोल किया है सिद्धांत शर्मा में ने, जिन्होंने शर्ट नंबर 3 पहनी हुई है। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत पहले चक्कर में, ये है अभिमन्यु पाठक जिन्होंने अब तक का 4 में से 3 गोल किए हैं लांसर्स के लिए। लांसर्स यानी 61st कैवलरी की टीम, आधे गोल का एडवांटेज है उन्हें क्योंकि हैंडीकैप में टोटल हैंडीकैप लांसर्स का 16 गोल का है जबकि प्रेजेंस बॉडीगार्ड का 17 गोल का, तो यानी 1 गोल का डिफरेंस, और इसी कारण से आधे गोल का एडवांटेज लांसर्स के लिए। ये है अतिथिगण जो कि इस
मैच का लुत्फ उठाते हुए, सुनहरी धूप, गुनगुनी सर्दी, सिमरन शेरगिल के पिताजी ब्रिगेडियर टीएस शेरगिल, पूर्व कमांडेंट प्रेजिडेंट बॉडीगार्ड के, खुद भी चार गोल प्लेयर हुआ करते थे अपने जमाने में। परिवारजन प्रेजेंस बॉडीगार्ड और दो मिनट की दोबारा खेल शुरू होने की तैयारी में, लेकिन दर्शकों में काफी ज्यादा उत्साह। तो पहले चक्कर के जो चार गोल हुए हैं उन पर एक नजर डालने इससे पहले कि दूसरा चक्कर शुरू हो। यह था पहला गोल अभिमन्यु पाठक का, बहुत बेहतरीन मेहनत की थी वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान ने, और उसके बाद ये दूसरा गोल टैप लगभग किया अभिमन्यु पाठक ने, और अब ये दूसरा चक्कर शुरू होता हुआ। लाल रंग की जर्सी में है लैंसर्स, जबकि ब्लू रंग की ब्लू और व्हाइट में है प्रेजेंस बॉडीगार्ड। पिकअप करने की कोशिश में प्रेजेंस बॉडीगार्ड का, अब तक जो तालमेल की उम्मीद की जा रही थी वो बनता दिख नहीं रहा है, जबकि दूसरी ओर लैंसर्स की टीम काफी संतुलित दिखती हुई और अच्छा कोऑर्डिनेशन। अंगद कलान बॉल के साथ टर्न करते हुए, अंगद कलान अच्छी लंबी हिट ध्रुवपाल गोदारा के लिए, लेकिन इंटरसेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से रीड किया था इस गेम को, और एक बार फिर से मौका बन सकता है प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए। अच्छी राइड इस बार अंगद कलान की, लेकिन एन वक्त पे गोल माउथ पे क्लियर करने में कामयाब लैंसर्स। लगातार प्रेशर बना हुआ है प्रेजेंस बॉडीगार्ड के ऊपर, ताकि बैकहैंडर अंगद कलान शर्ट नंबर 3 में, गौरव सहगल लगभग कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए, तो ये थोड़ी सी मुश्किल की बात हो रही है इस लेवल की राइडिंग में। अंडर द नेक क्लियरेंस बोर्ड का इस्तेमाल बेहतरीन ढंग से किया, फिर से कंट्रोल लेने में कामयाब, लेकिन अच्छा कंट्रोल अभिमन्यु पाठक का ऑन द रॉन्ग साइड। डिप्लोमेटिक कोर काफी संख्या में मौजूद यहां पे परेड ग्राउंड प्रेजेंस बॉडीगार्ड के का, ये परेड ग्राउंड जहां पे पोलो का ये प्रेजेंस का एनुअल इवेंट है। एक बार फिर से मौका, अच्छा अंडर नेक हिट और ये गोल, तो पहला गोल प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए कामयाब हुए सिमरन शेरगिल, और ये देखना है कि उन्हें रिवाइव करवा पाता है या नहीं। दूसरे चक्कर का ये पहला गोल सिमरन शेरगिल ने शर्ट नंबर 4 में। ये है टीएस शेरगिल, सिमरन के पिताजी, खुद भी चार गोल के सिमरन शेरगिल का। ये था अंडर द नेक शॉट, घोड़े के गले के नीचे से मारा गया, बहुत ही मुश्किल होता है इसे कंट्रोल कर पाना। दूसरे चक्कर, ध्यान रहे कि खेल रोका जाएगा बीच चक्कर में ताकि खिलाड़ी घोड़े बदल सके। कोई भी घोड़ा आधे चक्कर से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और इस बार भी बहुत ही बेहतरीन राइडिंग, और इस बार लैंसर्स अटैक करते हुए इस एंड के ऊपर, अच्छे डिफेंस सिमरन शेरगिल की, मदद के लिए आ गया अंगद कलान। अच्छा हिट स्लाइस किया इस बार, लेकिन अभिमन्यु पाठक से थोड़ी सी दूर, रेंज सही नहीं मिल पाए, और गोल जज की झंडी इस बात का इशारा करते हुए कि बॉल वाइड थी, लेकिन अभी भी 3.5 गोल की लीड है प्रेजेंस बॉडीगार्ड के पास। काफी उत्सुकता से देखते हुए दर्शक लैंसर्स के पास 3.5 गोल की बढ़त है, यानी कि वापसी करने का
मौका है। दर्शक पूरी तैयारी से आए हैं। चार चक्कर का यह मुकाबला, डेढ़ चक्कर का मुकाबला हो चुका है और अब तक लैंसर्स ने जो पहले चक्कर में चार गोल किए थे, आधे गोल का एडवांटेज उन्हें मिला था, जो हैंडीकैप का फर्क है उसके मुताबिक। प्रेजेंस बॉडीगार्ड पूरी कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरह से वापसी की। नवदीप संधु का मिस, बैकहैंडर इस बार लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान का कामयाब नहीं हो पाया। सिमरन शेरगिल ने लाइन कट किया और ये फाउल क्लेम करने में कामयाब विशाल चौहान, तो ये जाएगा इन फेवर ऑफ लैंसर्स। सिमरन शेरगिल बहुत तेज से राइड करते हुए आए थे और सामने से निकल गए थे लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान के, जो कि गलत माना गया। तो हिट लेंगे अब सिद्धांत शर्मा, जो कि बॉल मिड फील्ड में प्लेस की गई है। नवदीप संधु प्लेस करते हुए, कर्नल नवदीप संधु पूर्व कमांडेंट 61st कैवलरी के, बहुत ही जबरदस्त हिट लगाते हैं। इंडिया के लिए भी वर्ल्ड कप में भाग लेने का सौभाग्य मिल चुका है कर्नल एनएस संधु को। टैप टैप करके, चूंकि मिड ग्राउंड में था इस कारण से इतनी लंबी हिट बहुत कम प्लेयर्स लगा सकते हैं। अच्छे टर्न अराउंड, अच्छे कंट्रोल लाइन पे विसल, बैकहैंडर कामयाब नहीं हो पाया। अगर कनेक्ट करते तो जाहिर है कि यहां पे फायदा मिल सकता था और ये पेनल्टी लेने का मौका अब प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए। तो अब देखना यह है कि दूसरे गोल का जो मौका बन रहा है प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए वो कामयाब होता है या नहीं। गौरव सहगल अंपायर शमशेर अली से बातचीत करते हुए, 40 यार्ड पेनल्टी, यानी कि 40 गज की दूरी से ये पेनल्टी का मौका बनता हुआ। ध्रुवपाल गोदारा बॉल को प्लेस कर रहे हैं। बड़े भाई मनुपाल गोदारा भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी हुआ करते थे। दोनों भाइयों ने एक समय कोहराम मचा रखा था पोलो जगत में। ध्रुवपाल 7 गोल खेलते थे, मनुपाल 8। मनुपाल अब धीरे धीरे अपना प्रोफेशनल प्ले देश के बाहर ही रखा है। ध्रुवपाल गोदारा और ये हिट एरियल, लो शॉट लिया गया और उसको सक्सेसफुली डिफेंड किया लैंसर्स ने और काउंटर अटैक बनाने की कोशिश। यहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान मिस कर गए, लेकिन नवदीप संधु मौजूद। दो दो प्लेयर लाइन क्लेम कर रहे थे लेकिन क्रॉस नहीं किया और ये लैंसर्स का बढ़िया पिकअप इस बार प्रमोट करने में कामयाब। लैंसर्स कंट्रोल उनके पास है। अंगद कलान बोर्ड के करीब लेने में कामयाब, टर्न करने में काफी समय लिया अंगद कलान ने। अच्छी राइडिंग लेकिन हुक कर दिया पीछे से बहुत ही खूबसूरती से अभिमन्यु पाठक। 3 गोल है उनके नाम और ये बेहतरीन क्लियरेंस इस बार, लेकिन पोलो के घोड़े के पाँव में लगी इस कारण से थोड़ी सी मुश्किल। और टर्न अराउंड, नवदीप संधु ने लाइन क्लेम की और ये फाउल गया है लैंसर्स के पक्ष में। बहुत ही awarded a spotted in favor of the Lancers team. Abby part again of Jeet Sandhu just deciding, and you can see Colonel of Jeet Sandhu has just teed up the ball.
This time, is he going to tap or go for a big one? The forwards are moving up. Looks like it's going to be a big shot. And there it comes, but it's not too much on that ball. Passes it to Siddhant, who picks it up on the near side. He's being followed by Gaurav on the near side. A lovely pickup. And it's been backed by Angad. No. Abhi takes it out from the group. It is Abhimanyu Padak who strikes. That's great direction. Is it going to be the fifth goal? And it is right through. Oh, just missed. It was a very close strike. And the hooter also marks the end of the second chakka. Ladies and gentlemen, this is a half-time for the match. Lancers and Orange Shirts lead by 4.5 goals to 1. We'll take a short break of 5 minutes and be back with you for the start of the third chakka. तो ये है हाफ टाइम का स्कोर 4.5 गोल लैंसर्स के नाम प्रेजेंस बॉडीगार्ड के नाम एक जो कि एक मात्र गोल उन्होंने दूसरे चक्र में किया था सिमरन शेरगिल ने पहला गोल ये था शर्ट नंबर 2 लाल रंग की जर्सी में ये अभिमन्यु पाठक पहला गोल करते हुए और जैसे ही गोल होता है एंड चेंज हो जाता है दूसरे एंड पर ये दूसरा गोल लैंसर्स के लिए अभिमन्यु पाठक ने और उसके बाद एक के बाद एक का बहुत ही जबरदस्त खेल और ये था सिद्धांत शर्मा का गोल और इस बीच यहां पे ये सिमरन शेरगिल का गोल और इस बीच खेल शुरू हो चुका है तीसरे चक्कर का लाल रंग की जर्सी में लैंसर्स की टीम जो कि 61st कैवलरी से आती है अमन और प्रेजेंस बॉडीगार्ड की टीम बैक का हैंडर्स बार सिद्धांत शर्मा का कामयाब नहीं नवदीप संधू शेरगिल को राइड ऑफ करते हुए बहुत ही खूबसूरती से बैक हैंडर के साथ नवदीप ने क्लियर किया लेकिन विसल तीसरे चक्कर का ये मुकाबला चलता हुआ ये स्पॉट हिट होनी चाहिए यानी कि गोल डिफेंड नहीं इस बार रहा फाउल गया है प्रेजेंस बॉडीगार्ड के खिलाफ शमशीर अली का ये फैसला तो जो मौका बन सकता था वो जाता रहा और ये स्पॉट हिट को कन्वर्ट करने में कामयाब सिमरन शेरगिल तो अब प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए दूसरा गोल करने में कामयाब सिमरन और तीसरा चक्कर तो स्पॉट हिट से गोल करके चार नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं सिमरन शेरगिल दोनों गोल अब तक प्रेजेंट बॉडीगार्ड के लिए सिमरन शेरगिल ने किया और द्रुपाल गोदारा ने इस बार लेफ्ट साइड से उठाने की कोशिश की स्लाइस किया गोल की ओर ये अच्छा हिट हो सकता है लेकिन इससे पहले कि राइडर्स पहुंचे अच्छे टर्न अराउंड लेफ्ट एंकल विशाल चौहान द्वारा अभी भी समय बाकी है लगभग 5.5 मिनट का इस चक्कर में ध्यान रहे कि चक्कर के बीच में 3.5 मिनट के खेल के बाद खेल रोककर घोड़े बदले जाते हैं क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण में घोड़ों को ज़्यादा थकाया नहीं जा सकता है प्रेसिडेंट्स कप पोलो का आयोजन प्रतिवर्ष होता है परेड ग्राउंड में यह मुकाबला खेला जाता है और महामहिम राष्ट्रपति भी इसको देखने आएंगे सिमरन शेरगिल इस बार अनंत ने प्रमोट किया अच्छी राइडिंग त्रिपाल को डाला की लेकिन उनको हिट करने का मौका नहीं दिया ये हुक किया पीछे से स्टिक जो कि लीगल है आपने इंपीड किया अटेम्प्ट को हिट करने का और गोल करने का मौका फिर से जाता रहा प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए अच्छी डिफेंडिंग लैंसर्स द्वारा अभिमन्यु पाठक भीड़ में मौजूद
pick up. और इस बीच विसल जो कि अभिमन्यु पाठक का ध्यान दे रहे हैं कि सिद्धांत शर्मा के ऊपर निगाहें सबकी, क्योंकि बॉल उनके पास थी। तो अब 30 गज की पेनल्टी प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए। फाउल किया सिद्धांत शर्मा के खिलाफ और ये एक और गोल करने का मौका। ध्रुवपाल गोदारा तैयार स्पॉट हिट के लिए। 30 गज की पेनल्टी, इस कारण से डिफेंड नहीं की जा सकती है और ये गोल करने में कामयाब। इस बार गोल किया ध्रुवपाल गोदारा ने, जिन्होंने जो कि दो नंबर की शर्ट में है प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए। प्रेजेंस बॉडीगार्ड ने किया गोल और अब लीड आ गया है सिर्फ डेढ़ गोल का। ध्रुवपाल गोदारा शर्ट नंबर दो ब्लू, जो कि अब एक समय जो 5 गोल की बढ़त थी, अब फाउल और इमीडिएटली सिमरन शेरगिल लाइन क्लेम करते हुए। अंपायर ने फैसला दिया है लैंसर्स के पक्ष में, तो लैंसर्स अब सिद्धांत शर्मा प्लेस करते हुए और नवदीप संधु। अभी भी 2 गोल की बढ़त है 61st कैवलरी और लैंसर्स के पास। सिद्धांत शर्मा लंबे हिट लेंगे। 4.5 गोल लैंसर्स के नाम, 3 गोल प्रेजेंस बॉडीगार्ड के नाम, यानी 2 गोल का डिफरेंस है। 2 गोल की जरूरत है प्रेजेंस बॉडीगार्ड को वापस आने के लिए इस मैच में। आधे गोल का जो हैंडीकैप मिला हुआ है लैंसर्स को, इसका मतलब कि ये मैच ड्रॉ नहीं हो सकता है। 17 गोल की टीम है प्रेजेंस बॉडीगार्ड की, जबकि 16 गोल की टीम है लैंसर्स की, यानी कि 4 चक्कर के इस मैच में आधे गोल का एडवांटेज हैंडीकैप पर मिला है। और इस बार भी अच्छी हिट फॉरवर्ड, मौका बन सकता है प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए 4th गोल करने का। अभी भी सिमरन शेरगिल के पास कंट्रोल, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्लियरेंस विशाल चौहान का बैक हैंडर के साथ क्लियर करने में कामयाब। और लैंसर जो कि लाल रंग की जर्सी में है, अच्छा रनिंग। अभिमन्यु पाठक अभी भी कंट्रोल में। लाइन क्लेम किया फाउल, लेकिन अच्छा टर्न राउंड गौरव सैगल का प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए। सिमरन शेरगिल बोर्ड्स की तरफ तेज हिट लगा के बहुत ही बेहतरीन पास बनाया है ध्रुवपाल गोदारा के लिए। मौका बन सकता था, लेकिन बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग लैंसर्स द्वारा दूसरे चक्कर में गोल नहीं कर पाए हैं। घोड़े आपस में टकराए, कोई फाउल नहीं, अगर साइडवेज टकराते हैं तो। और राइड ऑफ करने में कामयाब रहे सिमरन शेरगिल ने बाद ये बॉल गौरव सैगल के लिए। गौरव सैगल के पास लाइन क्लेम करें, लेकिन हुक किया पीछे से बेहतरीन ढंग से सिद्धांत शर्मा ने। और इस बीच एक विसल, देखना है कि फाउल किसके पक्ष में गया है। शमशीर अली ये फाउल दिया गया है लैंसर्स के पक्ष में। और हाफ चक्कर पे घोड़े बदलने का ये इशारा अंपायर्स का। तैयार और अब
तैयार हैं लैंसर्स तीसरे चक्कर को रीस्टार्ट करने के लिए। सिद्धांत शर्मा अच्छा चिप किया लेकिन डिफ्लेक्शन और बैकहैंडर फिर से गौरव सहगल। अंगद कलान के लिए हिट करने का मौका नहीं और रिकवरी लैंसर्स के लिए अच्छा कंट्रोल दिखाते हुए अभिमन्यु पाठक और पीछे से मदद करते हुए अभिमन्यु ने बढ़िया दौड़ लगाई है सफेद रंग के घोड़े पर। अभिमन्यु पासक शर्ट नंबर धोनी में ध्रुव कुदारा के सामने से निकालने में कामयाब और ये बॉल वाइड थोड़ा सा वाइड निकल गई बॉल वरना बेहतरीन मौका बना लिया था अपने लिए अभिमन्यु पाठक ने लेकिन अच्छी डिफेंडिंग कही जाएगी। अभिमन्यु पाठक बहुत ही बेहतरीन और ये बेहतरीन शॉट ध्रुवपाल गुदारा को सरप्राइज करते हुए वहीं से फिनिश करने की कोशिश की लेकिन मौका नहीं बन पाया और अब बेहतरीन मौका ये आखिरी मौका शायद हो सकता है तीसरे चक्कर का। सिमरन शेरगिल की हिट लंबी और ये गोल तो सिमरन शेरगिल के लिए ये तीसरा गोल इस मैच का और मदद करते हुए आए गौरव सहगल। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन ये है सिमरन शेरगिल जिन्होंने तीन गोल किए हैं और अब आधे गोल का फर्क रह गया है सिर्फ दोनों टीमों के बीच चार बनाम साढ़े चार और तीसरा गोल करने में कामयाब रहे सिमरन शेरगिल। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन तो तीन चक्कर का मुकाबला हो चुका है और प्रेजेंस बॉडीगार्ड ने दूसरे और तीसरे चक्कर में गोल करके वापसी की है और लैंसर्स अभी भी वो आधे गोल का जो हैंडीकैप उन्हें मिला था उसके मदद से वो अभी भी लीड में है। साढ़े चार गोल लैंसर्स के नाम ये हैं सिमरन शेरगिल और जब तक हमें इंतजार है महामहिम राष्ट्रपति के आने का एक बार फिर से नजर डालते हैं गोलों के ऊपर। पहले चक्कर में चार गोल किए थे लैंसर्स ने। अभिमन्यु पाठक जो कि शर्ट नंबर दो में खेल रहे हैं लाल रंग की जर्सी के बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की एक के बाद एक तीन गोल किए अभिमन्यु पाठक ने और उसके बाद ये था तीसरा गोल सिद्धांत शर्मा का चार गोल किए पहले चक्कर में और उसके बाद दूसरे चक्कर में एक ही गोल आया वो आया प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए सिमरन शेरगिल का और फिर स्पॉट हिट ध्रुवपाल गोदारा का जो कि डिफेंड नहीं किया जाता है क्योंकि दूरी इतनी कम रहती है इस कारण से घोड़ों को तकलीफ हो सकती है और ये सिमरन शेरगिल का दूसरा गोल बहुत ही बेहतरीन हिट स्लाइस करके और चार साढ़े चार यानी आधा गोल जो कि हैंडीकैप के फर्क पे था वो कामयाब रहा और अभी भी हमें महामहिम राष्ट्रपति का इंतजार है। अब महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद परेड ग्राउंड में आ चुके हैं औपचारिक का स्वागत उनका। ये सविता कोविंद जी फर्स्ट लेडी और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बच्चों से बच्चे स्वागत करते हुए महामहिम राष्ट्रपति का और फर्स्ट लेडी भी मौजूद इस एनुअल प्रेजेंस कप पोलो
मैच के लिए और अब राष्ट्रपति अपने प्रेसिडेंशियल बॉक्स की ओर बढ़ रहे हैं। डिप्लोमेटिक कोर काफी संख्या में मौजूद यहां पे, एम्बेसडर्स और डिप्लोमेटिक स्टाफ, और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पहुंच चुके हैं अपने प्रेसिडेंशियल बॉक्स में। राष्ट्रगान के साथ स्वागत हुआ महामहिम राष्ट्रपति का यहाँ पे परेड ग्राउंड में, साथ में फर्स्ट लेडी श्रीमती सविता कोविंद। और अब मैच के चौथे और आखिरी चक्कर का शुरुआत हो इससे पहले खिलाड़ियों का एक बार फिर से औपचारिक रूप से परिचय कराया जाएगा। राष्ट्रपति जो कि विशेष तौर पे इस ये हैं लांसर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान जो कि एक नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। हैंडीकैपन का प्लस चार, नंबर दो में अभिमन्यु पाठक, नंबर तीन पर सिद्धांत शर्मा। इस मैच में एक गोल भी कर चुके हैं सिद्धांत शर्मा, चार गोल की रेटिंग है इनकी। और चार नंबर में पूर्व कमांडेंट कर्नल नवदीप सिंह संधु, तीन गोल कर इनकी करंट रेटिंग, लेकिन छह गोल की रेटिंग हुआ करती थी। राष्ट्रपति जो कि खुद मेजबान भी समझे जाते हैं इस प्रेसिडेंट्स कप पोलो मुकाबले का, ये हैं नवदीप सिंह संधु। और अब राष्ट्रपति के अंगरक्षक इस टीम का परिचय, गौरव सहगल, शर्ट नंबर एक, नीली और सफेद रंग की जर्सी में, तीन गोल की रेटिंग है। नंबर ध्रुवपाल गोदारा, शर्ट नंबर दो में, पांच बार विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल चुका है, पहली बार सिर्फ 20 साल की उम्र में किया था 1995 में। और अंगद कलान नंबर तीन में, और बैक में सिमरन शेरगिल जो कि छह गोल की रेटिंग है उनकी, इसी साल उन्हें अर्जुना अवार्ड से भी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। फिलहाल आधे गोल का फर्क है दोनों टीमों में। पहले चक्कर में चौथे और आखिरी चक्कर की शुरुआत हो चुकी है, लैंसेस के पास आधे गोल की बढ़त है, लेकिन अब प्रिजन बॉडीगार्ड ने अच्छे, सिमरन शेरगिल ने भीड़ में से काफी ट्रैफिक के बीच में से निकालने में कामयाबी पाई, पीछे से हुक करने की कोशिश में कामयाब हो गए इस बार नवदीप संधु। और अच्छा बैक हैंडर, लेकिन ध्रुवपाल गोदारा राइडिंग में बहुत ही जबरदस्त कंट्रोल, ध्रुवपाल गोदारा का बॉल के साथ टर्न करने की कोशिश, बैक हैंडर में कामयाबी नहीं मिल पाए और लैंसेस के लिए अटैक का मौका बनता हुआ। अंडर द नेक बेहतरीन ओपन में बॉल, मौका बन सकता है इस बार थ्रू बॉल,
और ये मौका बनता हुआ लैंसर्स के लिए चौथे और आखिरी चक्कर में गोल करने का, और ये मिस कर गए। और बहुत ही जबरदस्त यहां पे स्टार्ट किया है चौथे और आखिरी चक्कर का। मौका बन रहा था यहां पे सिद्धांत शर्मा के लिए दूसरा गोल करने का, और ये था उनका स्लाइस जो कि बिल्कुल सही निशाने पे लगाया। और गोल करने में कामयाब, गोल माना गया क्योंकि पीछे से अभिमन्यु पाठक आकर टैप करने में कामयाब रहे थे। तो अब बहुत ही जबरदस्त संघर्ष हर गोल के लिए। लैंसर्स ने गोल किया है जबकि सिद्धांत शर्मा शर्ट नंबर 3 में जो खेल रहे हैं उन्होंने गोल उनके नाम जाएगा। बॉल डिफ्लेक्ट हुई थी पोस्ट से लग के। महामहिम राष्ट्रपति भरपूर आनंद उठाते हुए इस बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले का। सिर्फ 1.5 गोल का फर्क है, यानी प्रेजेंस बॉडीगार्ड को इस मैच में आने के लिए अब 2 गोल करने की जरूरत। समय बाकी है 5 मिनट 26 सेकेंड। अच्छा चेप इस बार ध्रुवपाल गोदारा का, बहुत ही बेहतरीन टर्न, गौरव सहगल को डिनाई करने में कामयाब रहे लैंसर्स। प्रेजेंस बॉडीगार्ड अभी भी 2 गोल की जरूरत है उन्हें प्रेजेंस कप पर दोबारा कब्जा बनाने के लिए। बैकहैंडर 2 बार कोशिश की गई और आखिरकार लैंसर्स क्लियर करने में कामयाब। और अब अच्छा टर्न अभिमन्यु पाठक का, अभिमन्यु पाठक बैकहैंडर कामयाब रहा लेकिन लैंसर्स के पास ही रहेगी बॉल। बॉल टर्न तो किया था अच्छी तरह से लेकिन बहुत खूबसूरती से उसको टर्न किया और लाइन क्लेम करते हुए, लेकिन विसल नहीं बजी है। गौरव सहगल ने बहुत बढ़िया स्नैच किया इस बार गैलप में, थोड़ा सा वहां पे ढील दी गई लैंसर्स द्वारा, इसका फायदा मिलता हुआ प्रेजेंस बॉडीगार्ड को। ध्यान रहे कि प्रेजेंस बॉडीगार्ड को 2 गोल करने की जरूरत है। राष्ट्रपति के अनुरक्षक और महामहिम राष्ट्रपति भरपूर मजा उठाते हुए इस बार बहुत ही बेहतरीन हिट, अच्छे गैलप इस बार सिद्धांत शर्मा अंगद कलान द्वारा राइड ऑफ किए गए। अंगद कलान बिल्कुल सामने वीआईपी स्टैंड्स के, सिमरन शेरगिल अच्छी तरह से शील्ड करते हुए बॉल को, नवदीप संधु बैकहैंडर पे फोर्स किया और इस बीच विसल शमशेर अली का। राष्ट्रपति बहुत ध्यान से देखते हुए इस बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले को। 30 सेकंड का समय दिया जाता है खिलाड़ियों को घोड़े बदलने के लिए। और ये देखिए जो गोल किया था सिद्धांत शर्मा ने, स्लाइस कर दिया था और अंत में, और ये था अंत में टैप इन, टकरा गई थी बॉल पोस्ट से, ऐसा लगा कि शायद बाहर डिफ्लेक्ट होगी लेकिन नहीं। और चूंकि ये 30 गज की पेनल्टी है तो इस कारण से गोल डिफेंड नहीं किया जाएगा, ओपन गोल बाउट। अब देखना यह है कि ध्रुवपाल गोदारा शर्ट नंबर 2, अब तक 1 गोल इनके नाम। प्रेजेंस बॉडीगार्ड के खिलाड़ियों को पूरा विश्वास है कि ध्रुवपाल गोदारा गलती नहीं करेंगे और ये हिट उनके बिल्कुल सही निशाने पर। तो ये गोल, दूसरा गोल ये प्रेजेंस बॉडीगार्ड के लिए, शर्ट नंबर 2 नीली। और अंपायर्स ने गोल को ये दूसरी बार इस मैच में डिसअलाउ किया है, डिसअलाउ किया गया है ध्रुवपाल गोदारा का ये हिट। तो ओपन गोल में दूसरी बार ध्रुवपाल गोदारा मिस करते हुए अंपायर्स ने फैसला किया कि ये बॉल
रेंज के अंदर नहीं गई थी, अनलिमिटेड हाइट, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं। तो अभी भी डेढ़ गोल की बढ़त है लैंसर्स के पास, जबकि घड़ी बता रही है 2:40, और इस बीच यहां पे बेहतरीन ढंग से प्रेजेंस बॉडीगार्ड ने एक गोल और करने में कामयाबी पाई। तो पीबीजी वापस आते हुए मजबूती से सिमरन शेरगिल ने यहां पे मौका उठाया था और ये पुश करने में कामयाब रहे। अंत बहुत ही बेहतरीन फिनिश सिमरन शेरगिल का, बहुत ही चतुराई दिखाते हुए गोल होते ही खेल का एंड चेंज हो जाता है, यानी कि जिस एंड पर गोल किया उसको एंड को डिफेंड करेंगे। इस बार गौरव सहगल का एल अंडर द नेक हिट करने की कोशिश, बैक हैंडर क्लियरेंस बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत शर्मा का, ध्रुवपाल गोदारा के पास बैक हैंडर, सिमरन शेरगिल 6 गोल के इनकी हैंडीकैप है फिलहाल, हाईएस्ट हैंडीकैप प्लेयर। उस बार सिद्धांत शर्मा ने कोशिश की लेकिन बॉल अंपायर्स की विसल, तो ये फाउल देखना है कि, तो बॉडीगार्ड के लिए स्पॉट हिट का मौका मिलेगा और अब वो लीड पहली बार इस मैच में, आधे गोल की लीड है सिर्फ लैंसर्स के पास। और ये टैप इन, और अब ध्रुवपाल गोदारा, तो अब प्रेजेंस बॉडीगार्ड आधे गोल की लीड में, 6:55, 1:43 का समय बाकी, मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण। लैंसर्स, विशाल चौहान लेफ्टिनेंट कर्नल, बहुत ही मेहनत करके आज उन्होंने मौके बनाए थे, और एक बार फिर से अभिषेक अभिमन्यु पाठक, अंगद कलान के खिलाफ ये फाउल, और कमांडर अखिल सिरोही ने मिसल, तो अब आधे गोल का जो फासला है क्या लांसर्स से पाट पाएंगे, 4 उनके पास लीड। ध्रुवपाल गोदारा, अच्छी लंबी हिट इस बार, लेकिन 3-3 स्टिक उठे, नवदीप सिंधु बैक हैंडर इस बार, नवदीप सिंधु का, गौरव सहगल राइड ऑफ करने की कोशिश, लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान बैक हैंडर, खेल को पूरी तरह से सिमरन शेरगिल, अभिमन्यु पाठक डिफ्लेक्ट करने की कोशिश, राष्ट्रपति बहुत ध्यान से देखते हुए खेल के हर मूव को, ये मौका बन सकता है सिमरन शेरगिल के लिए, बहुत ही बेहतरीन राइडिंग सिमरन शेरगिल की, और ये मिस कर गए, ओपन गोल था उनके सामने, लेकिन राइड ऑफ, फाउल क्लेम कर रहे हैं, अभी भी आधे गोल का फर्क है, 10 सेकंड का समय बाकी इस मैच में, क्या लैंसर्स पलट सकते हैं यहां पे, नवदीप संधु बैक हैंडर इस बार कामयाब रहा ध्रुवपाल गोदारा का, और अंगद कलान ने बॉल को कंट्रोल में लिया, बोर्ड्स के पास ले गए, और इसके साथ ही हूटर, और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ने आखिरकार बेहतरीन वापसी करते हुए 5:30 6 गोल की जीत हासिल की है, और प्रेजेंस बॉडीगार्ड ने प्रेजेंस कप को रिटेन करने में कामयाबी पाई। पिछले साल भी प्रेजेंस बॉडीगार्ड ने ये प्रेजेंस का कप मुकाबला जीता था। प्रेजेंस बॉडीगार्ड 6, लैंसर्स 5.5, और
आधे गोल का फासला प्रेजेंस बॉडीगार्ड को प्रेजेंस कप पोलो का ये टाइटल दिलाता हुआ। ये है विनिंग टीम ब्लू और व्हाइट में प्रेजेंस बॉडीगार्ड की। सिमरन शेरगिल ने बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया, तीन गोल चार गोल किए जबकि दो गोल ध्रुपल उदाहरण। ये है लैंसर्स की टीम जिन्होंने बहुत ही तेज शुरुआत की थी लेकिन अंत में समापन नहीं कर पाए जैसी कि उन्हें उम्मीद थी। गेल दो नंबर और तीन नंबर चक्कर में वो गोल करने में कामयाबी नहीं हो पाए। बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया। ये फाइनल स्कोर लाइन चार चक्कर के मुकाबले के बाद प्रेजेंस बॉडीगार्ड 6 लैंसर्स 5.5। रविंदर सिंह ये हैं झंडे के साथ, साथ में हरदेव सिंह, सुखदीप सिंह और दफदार सुंदर सिंह सल्यूट करते हुए राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के अंगरक्षक। झंडा लिए हुए नेतृत्व कर रहे थे इस टीम का रविंदर सिंह का, और अब लैंस और लैंस पेग और ये है लैंस उठाया दफदार जितेंद्र ने और ये पेग लेने में कामयाब, और इसके साथ एक और दूसरा लैंस और दूसरा पेग भी लेने में कामयाब। ये थे दफदार जितेंद्र और दफेदार लखविंदर सिंह। दफेदार लखविंदर सिंह एक ट्रिपल टेन पेगिंग है ये, दो और तीसरा ये कामयाब। रिसालदार लखविंदर सिंह जो कि सवारी कर रहे थे टॉर्नेडो पर ट्रिपल टेन पेगिंग में कामयाब। और अब रिसालदार रविंदर सिंह जिन्हें हमने कुछ देर पहले देखा था झंडे के साथ और अब वो आ रहे हैं हैंकी पिकिंग के लिए ट्रिपल टेंट पैकिंग। जितेंद्र एक दो और ये तीन, तीनों ही कामयाब। दफादार जितेंद्र जो कि गोल्डन मिस्ट पर सवारी कर रहे थे। अब दफेदार फिर से ट्रिपल टेंट पैकिंग, एक दो और ये तीसरा भी कामयाब। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दफेदार जितेंद्र जो कि गोल्डन मिस्ट की सवारी कर रहे थे। राष्ट्रपति और उनके तमाम माँ। और अब अगला इवेंट है रुमाल उठाने का। रिसालदार रविंदर सिंह एक उठाने में कामयाब, दो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा भी उठाने में कामयाब। रविंदर सिंह जो थोड़ी देर पहले और रिसालदार रविंदर सिंह बहुत ही अनुभवी सवार है, बहुत ही सीनियर राइडर, जाबाज राइडर, लेकिन यह घोड़ा अपने में ही अनमोल घोड़ा है। और अब आपके सामने आ गए हैंकी पिकिंग के लिए दफेदार सुंदर सिंह, आजा की पुकार लगाते हुए, और अब दूसरे रुमाल की तरफ और फिर से एक बार। और मिनिस्टर की सवारी कर रहे थे दफदार सुंदर सिंह से मिनिस्टर, और अगला क्रॉस टेंट पेगिंग जो कि लखविंदर सिंह। हाँ ये बहुत ही जबरदस्त यहां पे क्रॉस टेंट पेगिंग
ये दोनों ओर से लखविंदर सिंह टॉर्नेडो पर और जितेंद्र गोल्डन मिस्ट के ऊपर क्रॉस टेंट पेगिंग, दो अलग अलग छोर से आते हैं सवार और बहुत ही जबरदस्त और ये फिर से हड्जा मुंडा यानी कि खिलाड़ी मौज एक रविंदर सिंह मिठिया पर और सवार सुमित वहां पे मौजूद थे। और अब टेंट पेगिंग बहुत ही मुश्किल एक स्पोर्ट क्योंकि घोड़े की स्पीड को भी मैच करना और उसके साथ साथ आपको अपना निशाना सादे रखना। एक के बाद एक ये है चार चार लखविंदर सिंह, सुंदर सिंह, सुखदीप सिंह और हरदेव सिंह, चार के चार टेंट पैगिंग लैंस टेंट पैगिंग में कामयाब, बहुत ही खूबसूरती से किया गया ये। रसालदार लखविंदर सिंह, दफादार सुंदर सिंह, सवार सुखदीप सिंह और सवार हरदेव सिंह द्वारा जो राष्ट्रपति अंगरक्षक है ये सवार बहुत ही बेहतरीन मुजाहरा करते हुए टेंट पैगिंग और ट्रिक राइडिंग का प्रेजिडेंस का पोलो के समापन के बाद। और अब जबकि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रॉफीज अब मैदान के ऊपर लाई जाती हुई, दोनों टीम के खिलाड़ी आते हुए ये हैं महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आते हुए पुरस्कार वितरण समारोह के लिए मिलिट्री सेक्रेटरी उनके साथ मौजूद। और अब ये है खिलाड़ी अंगद कलान, गौरव ये हैं गौरव सहगल जो कि एक नंबर में खेल रहे थे राष्ट्रपति अंगरक्षक की टीम के लिए, प्रेजेंस बॉडीगार्ड के नंबर एक जर्सी के खिलाड़ी मिस्टर अंगद कलान, नंबर तीन नंबर की जर्सी में खेल रहे थे अंगद कलान के भाई उदय कलान भी काफी तगड़े खिलाड़ी और वर्तमान भारतीय टीम के कप्तान उदय कलान के छोटे भाई अंगद कलान। ये ध्रुवपाल गुदारा, ये भी भाइयों की जोड़ी बहुत कोहराम मचाया करती थी ग्राउंड पे, मनुपाल गुदार, ये हैं सिमरन शेरगिल जिन्होंने आज बहुत ही जबरदस्त खेल दिखाया, छह गोल का हैंडीकैप इनका और आज चार गोल करके जीत दिलाई आखिरी चक्कर में। नायब रिसालदार बलजीत लांबा जो कि रिजर्व प्लेयर थे राष्ट्रपति अंगरक्षक टीम के लिए, प्रेजेंस बॉडीगार्ड ने आधे गोल के फासले से इस मैच को जीतने में कामयाबी पाई है। और अब लैंसर्स की टीम जो कि 61वीं घुड़सवार यूनिट, लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल चौहान जर्सी नंबर एक, सुप्रीम कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के महामहिम राष्ट्रपति और जाहिर है कि उनका हर फोर्सेस के हर इवेंट में भाग लेना बहुत बड़े गौरव की बात होती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। सिद्धांत शर्मा दो गोल किया आज के मैच में लैंसर्स के लिए, लेकिन जो दूसरे और तीसरे गोल में चक्कर में गोल नहीं कर पाई टीम उसका खामियाजा भुगत। और पूर्व कमांडेंट 61वीं कैवलरी के
कर्नल नवदीप सिंह संधू, जिनके पिताजी भी खुद अच्छे खासे खिलाड़ी हुआ करते थे। लांस दफादार सुखजीत सिंह जो कि रिजर्व प्लेयर इस टीम के, लैंसर्स के खिलाफ आधे गोल की जीत। और अब ट्रिक राइडिंग टीम के लिए मोमेंटोस, रिसालदार रविंदर सिंह, रिसालदार रविंदर सिंह ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था झंडे के साथ। रिसालदार लखविंदर सिंह बहुत ही शानदार, दफादार सुंदर सिंह, ट्रिक राइडिंग में काफी जाना पहचाना नाम है दफादार जितेंद्र का। और सवार सुखदीप सिंह, सवार हरदेव सिंह, बहुत ही जबरदस्त, सवार सुमित कुमार जो कि अपने आप को फील्ड में टारगेट बना रखा था, एक नॉवेल्टी। और अब मैच ऑफिशियल्स के लिए अंपायर ये हैं कमांडर अखिल सिरोही, भारतीय नौसेना के बड़े भाई तरुण सिरोही भी अच्छे खासे पोलो खिलाड़ी, शमशीर अली हैदराबाद के, वो इस और रेफरी कर्नल एच एस सोडी, जिन्हें लोग प्यार से बिली सोडी के नाम से जाया करते हैं। अपने जमाने में 5 गोल प्लेयर हुआ करते थे बिली सोडी, पूर्व कमांडेंट 61st कैवलरी के और पूर्व कमांडेंट ये 61st कैवलरी और राष्ट्रपति अंगरक्षक दोनों को कमांड किया है। ऑन ग्राउंड अनाउंसर रॉबिन सक्सेना, मिलिट्री वेटनरी हॉस्पिटल के सीनियर वेटनरियन को एक स्पेशल मोमेंटो इन घोड़ों की। और ऑन ग्राउंड अनाउंसर शरद सक्सेना, और अब ट्रॉफी प्रेजेंटेशन का समय आ चुका है। राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड अब प्रेसिडेंट्स पोलो कप, रिसीव करेंगे पांचों खिलाड़ी, सिमरन शेरगिल, ध्रुवपाल गोदारा। और ये ट्रॉफी के साथ पोज करते हुए विनिंग टीम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद मौजूद विनिंग टीम के साथ, अंगद कलान, ध्रुवपाल गोदारा, सिमरन शेरगिल और गौरव सैगल राष्ट्रपति से। और अब लैंसर्स के लिए एक सेरेमोनियल फोटो का मौका, जाहिर है कि अब दोनों टीमों के लिए एक सेरेमोनियल फोटोग्राफ
लेने का ये मौका प्रेजिडेंट्स कप, प्रेजिडेंट्स पोलो कप के साथ। तो राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति ने सबको और अब विजयी टीम को अलग से एक फोटोग्राफ का मौका। विजेता टीम सिमरन शेरगिल, अंगद कलान और अब ट्रिक राइडिंग टीम के लिए भी महामहिम राष्ट्रपति के साथ मौका, एक सेरेमोनियल फोटो का प्रेसिडेंट्स पोलो कप के उपलक्ष में। बहुत ही बढ़िया आयोजन राष्ट्रपति के अंगरक्षक द्वारा। और अब महामहिम राष्ट्रपति वापस ग्रैंडस्टैंड की ओर जाते हुए दर्शकों में उत्सुकता, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड परेड ग्राउंड में। और अब राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के बाद अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद जी वापस राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। ये राष्ट्रपति की गाड़ी, राष्ट्रपति अपना वापस राष्ट्रपति भवन जाने के लिए तैयारी में। और दर्शकों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए महामहिम राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी श्रीमती सविता कोविंद। यादगार आयोजन राष्ट्रपति अंगरक्षक द्वारा इस 2019 प्रेसिडेंट्स पोलो कप का प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड परेड ग्राउंड में। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी अब वापस राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होते हुए। और इसके साथ ही समापन होगा प्रेसिडेंट्स परेड ग्राउंड से प्रेसिडेंट्स पोलो कप मुकाबला का। और इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, कुछ देखते हैं कुछ रोमांचक क्षण इस मुकाबले के। मैं रविकांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, आप एंजॉय कीजिए ये एक्साइटिंग मोमेंट्स।